I played it सो है गाइस आज का ये वीडियो होने वाला है मेरा टॉप टेन ड्रीम फिशेस के ऊपर सो गाइस ये जो वीडियो है ये मेरा एक सब्सक्राइबर दोस्त ने कमेंट में बोला था तो मेरे को लगा बहुत ही अच्छा आइडिया मेरे को पहले ये आइडिया नहीं आया था और आप लोग में से बहुत कोई मेरे को ऐसा वीडियो रिकमेंड कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है ये रिस्पॉन्स देख के सो so, गाइस मैं कवर करूँगा ईच एंड एवरी टॉपिक पर द थिंग आई नीड इ्स टाइम थोड़ा टाइम मेरे को लगेगा हर एक टॉपिक को कवर करने में आप लोग में से बहुत कई मेरे को इंस्टाग्राम कमेंट बॉक्स फेसबुक पेज में बहुत कोई ऐसा मैसेज करता है कि ये टॉपिक के ऊपर बनाओ वो टॉपिक बनाओ हम लोग को इसमें प्रॉब्लम है तो गाइस मैं हर एक टॉपिक कवर करूंगा इतना तो भाई प्रॉमिस करता हूँ पर थोड़ा टाइम लगेगा तो चलिए गाइस आज की वीडियो का मुद्दे टॉपिक के ओर बरते जो कि मेरा टॉप टेन ड्रीम फिश के ऊपर सो so गाइस आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना लाइक के बिना कहीं मत जाना हो चैनल पर भी नहीं होते सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सो गाइस टॉप टेन लिस्ट में नंबर वन में जो है वो है स्टिंगरे पर कौन सा स्टिंगरे ब्लैक डायमंड स्टिंगडे देखिए ब्लैक डायमंड स्टिंगरे रेयर स्पीसीज तो नहीं है बहुत ही इजीली मिल जाता है पर इसका प्राइसिंग जो है ना बहुत ही हाई रहता है एटीन के ट्वेंटी के ट्वेंटी के ऐसा जाता है सो गाइस फॉर नाउ पॉसिबल नहीं है मेरे लिए ब्लैक डायमंड लेना पर इन फ्यूचर कभी ना कभी तो भाई लाऊंगा क्योंकि भाई ड्रीम फिश है मेरे पास देखिए टैंक रेडी करना कोई बड़ा बात नहीं है पर उसे लाना बड़ा बात है देखिए मैं ला भी दूंगा कैसे भी हो जाए कभी ना कभी तो लाऊँगा ब्लैक डायमंड ये मेरा दिमाग में घुसा हुआ है स्टिंगरे मेरे को कैसे भी वो पालना है वो भी ब्लैक डायमंड नंबर टू में जो है वो है और एक मास्टर फिश जो कि एरापाइमा एरापाइमा का भी प्राइस आ रहा है एट के टू नाइन के पर मैं कुछ दिन शेविंग्स करके मैं ख़रीद सकता हूँ एरापाइमा कोई बड़ा बात तो नहीं है पर इसके लिए जो सेटअप लगेगा वो अबाव ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के कॉस्ट करेगा क्योंकि ये एक्वेरियम फिश नहीं है ये पॉन्ड और रिवर फिश है सो so गाइस इसलिए पॉन्ड बनाने में बहुत ही हाई खर्चा लगेगा पर इन फ्यूचर इन फ्यूचर नहीं कुछ दिनों में, में मेरा प्लान है एक पॉन्ड करने का आप लोग को मैं पहले भी बोला मेरा प्लान है तो लेट्स कब तक क्या जाता है नंबर थ्री में जो है वो है एरोवाना सेटअप गाइस ये सेटअप है कैसा सेटअप मैं सिल्वर एरोवाना से शुरू करके काली मंथन एडवाना तक हर एक टाइप में रखना चाहता हूँ एक एक सिंगल टैंक में वो भी मतलब सर्टिफिकेट के साथ देखिए हर एक का तो सर्टिफिकेट नहीं होता सपोज सिल्वर या फिर पर्ल uh, ये लोग का तो सर्टिफिकेट नहीं होता है ना बाकी जिसका होता है सब कोई मैं एक एक टैंक में सिंगल सिंगल करके रखना चाहता हूँ ये मेरा ये सेटअप करने का बहुत दिन से एक ड्रीम है क्योंकि गाइस ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा आप लोग एक बार इमेजिन कीजिए एरोवाना सेटअप विथ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एरोवाना कैसा लगेगा मैं अप्रॉक्स इसका कॉस्टिंग भी बता देता हूँ देखिए एरोवाना स्टार्टिंग फ्रॉम सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड रुपीज़ जाता है एक, एक डेढ़ लाख दो लाख तक तो लगभग टैंक और हर एक एरोवाना का कॉस्टिंग लेके दस लाख पकड़ के चलिए नंबर फोर में जो है वो है वाइल्ड बेटा जो कि इम्बेलिस बेटा या फिर इम्बेलिस फाइटर कुछ भी बोले देखिए ये भी नॉर्मली मिल जाता है ये भी मैं खरीद तो सकता हूँ पर ये मेरा अभी इतना अच्छा सा सेटअप नहीं है बेटा के लिए देखिए मैं बेटा क्यूबिक टैंक में रखता हूँ आप लोग को भी पता होगा पर मैं अभी इम्बेलिस को आ, मतलब ला एक छोटा टैंक में मतलब क्यूबिक टैंक में नहीं रखना चाहता मैं लगभग वन फिट टैंक तो देना ही चाहता हूँ पर अभी जो है फिलहाल स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण जिसके कारण जो है नहीं दे पा रहा इसलिए इम्बेलिस बेटा भी एक ड्रीम फिश है पर आई थिंक कुछ ही महीनों में ला ही दूंगा नंबर फाइव में जो है वो है रेड टेल कैटफिश पर रेड टेल कैटफिश ये वाला नहीं प्लेटिनम रेड टेल कैटफिश प्लैटिनम रेड टेल कैटफिश कैट लगभग कॉस्ट करते हैं वन लैख वन लैख का भाई फीस तो अभी देखिए इंडिया में आई डोंट थिंक मिलता है मेरे को पता भी नहीं है कभी देखा भी नहीं है, इंडिया में कोई सेल कर रहा है सो भाई इस प्लेटिनम आर मैं वैसे यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोज़ देखा पर मेरा भी ड्रीम है भाई प्लेटिनम प्लेटिनम आर रखने का कभी ना कभी तो भाई रखूंगा अगर मिल जाएगा तो देखिए अभी मिल कहाँ मिलता है मेरे को वो भी नहीं पता है मेरे को डिफरेंट गल स्ट्रीट ग्रुप्स में पोस्ट करना होगा उसके बाद शायद पता चल जाए कहीं भी मिल जाएगा तो नंबर सिक्स में जो है वो है चना का ब्लैक वाटर सेटअप चना का भी सेम है सैरोना में हर एक टाइप का चना रखना चाहता हूँ चना मतलब क्या है स्नक में हर एक टाइप का रखना चाहता हूँ पर नॉर्मल वाटर में नहीं एक ब्लैक वाटर में ब्लैक वाटर डिफरेंट प्लांट्स को सीजनिंग करके बनाना पड़ता है आप लोग को भी पता होगा तो मैं हर एक टाइप का चना रखना चाहता हूँ पेयर करके हर एक डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट टैंक में गाइस ये भी एक ड्रीम है चना मेरे को बहुत ही पसंद है पर अभी जो है मेरे पास चना जैसा सेटअप नहीं है इसलिए अभी तक मैं स्नैक हेड नहीं पाला हूँ पर इन फ्यूचर स्नैक हेड मैं कॉम्पल्सरी ही नंबर सेवन में जो है वो है जापानीज कोई पॉन्ड ये एक्वरियम नहीं है ये एक पॉन्ड मेरे को चाहिए जापानीज कोई का नॉर्मल नहीं जो कि ऑरेंज व्हाइट में एक आता है एक गोल्डन कलर आता है एक ब्लैक व्हाइट में आता है ये थ्री कलर्स में एक पॉन्ड बनाना चाहता हूँ जापानीज कोई पॉन्ड का दस पंद्रह बीस पीस जितना भी हो जाए मैं एक रखना चाहता हूँ नंबर एट में जो है वो एकदम सिंपल सेटअप है जो कि मैं कुछ ही दिनों में और प्लान कर रहा हूँ जो कि है प्लान्टड स्ट्रीम सेटअप प्लांटेड स्ट्रीम सेटअप भी क्यों आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा स्ट्रीम तो भाई नॉर्मली भी रह जाएगा देखिए एक्वेरियम स्ट्रीम्स जो होता है कलरफुल रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर जैसे ग्रीन बाबूटी स्ट्रीम ये सब जो होता है जेबरा स्ट्रीम्स ये सब के लिए जो है प्लांटेड टैंक अगर देंगे तो ये लोग का कलर जो है बहुत ही अच्छा से एनहेंस करेगा प्लांटेड टैंक उसके बाद आप लोग अगर ट्यूबी फ्लैक्स वॉर्म फिट करवाएंगे तो भाई ऐसा कलर आएगा ना आप लोग कुछ सोच भी नहीं सकते मैं जब कोलकाता कालीघाट में गया था तो एक मैं शॉप विजिट किया था तो मैं आप लोग को ब्लॉग भी दिया था उसमें कई सागर स्ट्रीम का कलर वीडियो में नहीं सामने से अगर देखेंगे आप लोग मतलब आ, क्या ही बोलूँ आप लोग ऐसा ही रह जाएंगे दंग रह जाएंगे आप लोग देख के भाई ऐसा कलर कैसे आया देखिए नॉर्मली लोकल स्टोर में उतना अच्छा से कलर नहीं आता क्योंकि गाइस कोई प्लांटेड सेटअप में दे देता प्लर प्लांटेड में अगर देंगे और पैसा फीडिंग देता है वो जो शॉपकीपर था तो भाई मस्त लग रहा था देखने में नंबर नाइन में जो है वो है गोल्डन एलिगेटर कार्ड गोल्डन एलिगेटर का तो भाई कहाँ मिलता है क्या पता प्लेटिनम आर टी तब पर भी कहीं पे शायद इंडिया के बाहर मिल जाता है गोल्डन कार्ड तो बहुत ही रेयर है मतलब शायद पूरा वर्ल्ड में टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऐसा मिलता होगा पर ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर आप लोग एक्ोरिया में छोटा से रखें ना बहुत ही ये शाइन करता है क्योंकि इसका गोल्डन कलर इतना मस्त लगता है क्या ही बोलूँ सो गाइस गोल्डन कलर भी मेरा एक फेवरेट है पर इसका प्राइसिंग कितना जाता है मेरे को भाई नहीं पता क्योंकि गाइस कभी मैं सामने से ना देखा हो ना सामने से कभी सेल होते हुए देखा हो ना कोई लोकली सेलर है जिनसे मैं प्राइस पूछूँ इसीलिए प्राइसिंग आइडिया मेरे को इसका है नहीं नंबर टेन में जो है वह है सोबल नोस्कैट पर कौन सा सोबल नोस्ट टाइगर नहीं जेबड़ा सोबल नोस्कैट फिश जेबड़ा सोबल नोस्कैटफिश भी अभी लोग पहले मिलता था गली स्ट्रीट में एक दो बार देखा था पर अभी जो है नहीं मिलता है क्या पता क्यों अभी टाइगर सोबल नुस्टा वही उतना नहीं मिलता है टाइगर सुबह नोस् भाई क्या हो गया क्या पता लास्ट में जब गलीफ किया था तब लाया था पर उसका प्राइजिंग भी बहुत हाई चल रहा था क्या हुआ क्या पता टाइगर सोबल नोस को तो जेबरा सोबल नोस भी देखने में बहुत ही सुंदर होता है स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं इसका जो बॉडी में स्टाइप है वो जेबरा जैसा होता है ब्लैक कलर में व्हाइट बॉडी में होता है तो भाई बहुत ही मस्त लगता है ये जो आज टॉप टेन लिस्ट बोला ना ये फिर से अगर रखेंगे घर में मैं बोल रहा हूँ आप लोग का घर विजिट करने टिकट दे के आएगा लोग इतना सुंदर लगेगा सेटअप अगर आप प्रॉपरली कर सकें ना ये सेटअप लोग एकदम मतलब टिकट दे के ही आएगा टिकट छोड़ के कोई नहीं आएगा अगर ऐसा सेटअप कर पाए आप लोग का क्या ओपिनियन है इसमें मेरे को कॉमेंट करके बोल सकते हैं तो भाई आप लोग का मेरा ड्रीम फिशेस कैसा लगा सेटअप्स कैसा लगा जो मैं बनाना चाहता हूँ मेरे को कमेंट करके बोलिए और गाइस आप लोग भी ऐसा करना चाहते हैं या फिर आप लोग को इसमें से कौन सा सबसे पसंद आए वो भी कमेंट कीजिए और गाइस आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक भी कर देना लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल पर भी नए होते हैं सब्सक्राइब भी कर देना ऐसा और वीडियोज़ इन फ्यूचर रेगुलरली देखने के लिए तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को भी पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो